my YouTube channel. Finally, I'm back with another video. Basically, in this video, I'm just sharing my views on the motivational quotes that I was read yesterday. A motivational quote, basically, जब मैं free होता हूँ, तो I was love to read motivational, inspirational quotes on the books, different types of books we have. एंड मैं ईगरली शौकीन हूँ मोटिवेशनल स्पीच पढ़ने से और मोटिवेशनल जो है कोर्ट्स होते हैं ऑन द गूगल्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोर्ट्स. तो मैं बड़ा शौकीन हूँ, जब भी मैं फारग होता हूँ आई एम ईगर टू मतलब कि लव टू रीड दीज मोटिवेशनल कोर्ट्स. तो मैंने उनमें से कुछ जो कोर्ट्स हैं I was picked up and I was share my views on that motivational quotes. So, इससे क्या होता है कि मेरी जो एनर्जी है ना वो जब भी लो एनर्जी फील कर रहा होता हूँ अपने स्केड्यूल के लिहाज से टफ स्केड्यूल जो होता है उसको जो है कंटिन्यू मेंटेन करते करते तो जो मैं फ्री वक्त होता है तो ये मोटिवेशनल कोर्ट्स पढ़ के अपनी एनर्जी को जो है बूस्ट कर लेता हूँ. तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे कोर्ट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं आई वॉज श्योर व्यूज ऑन माई यूट्यूब चैनल और एक छोटी सी वीडियो भी बन जाएगी. सो देयर आर द फोर मोटिवेशनल कोट्स आई एम शेयरिंग यू इन दिस वीडियो एंड दैट इज माई व्यूज ऑन दैट. सो लेट गेट स्टार्ट फॉर टूडेज वीडियो. सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट मोटिवेशनल कोट्स इज यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टॉप एंड throw stones at every dog that barks. अब basically इस कोर्स की मीनिंग क्या होगी, मतलब कि इस मोटिवेशनल कोर्स की अगर मैं परस्यू जैसे करता हूँ, मैं जैसे लेता हूँ, इसके मुख्तलिफ किस्म की मीनिंग्स होती हैं और जो है उससे सोच सोच के मैं जो अपनी एनर्जी है, मैं जो अपनी जो है थिंकिंग के प्रोसेस से मैं काफ़ी बूस्ट होता हूँ. लेकिन इसकी मीनिंग मैं अपने वे से बताऊं सिंपल तरीके से, मतलब कि यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, आप कभी नहीं पहुंच सकते अपनी मंजिल तक इफ यू स्टॉप, अगर आप रुकते हैं. एंड थ्रो स्टोन्स, आप जो है पत्थर फेंकते हैं हर एक भौंकते मतलब हर एक चिल्लाते हुए डॉग्स मतलब कि डॉग्स के ऊपर, अगर आप बार बार रुकेंगे बार बार जो है पत्थर फेंकेंगे तो आप अपनी मंजिल से जो है आप अपने गोल्स से जो है डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगे, मतलब कि आपका जो माइंड है आपका जो फोकस है वो जो है हट जाएगा और जो है आप एक जब जगह पे स्टक हो जाएंगे और जो है आप आपका जो माइंड है वो फोकस से हिल जाएगा. और ये यहाँ पे जो इस मोटिवेशनल कोर्स में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एक डॉग का दिया हुआ है, एक मतलब के जो है कुत्ते का दिया हुआ है, एक पपी का दिया हुआ है. और मोस्टली अब इसमें तो डॉग दिखाया हुआ है लेकिन हमारे सराउंडिंग में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है डिस्ट्रैक्शन मौजूद है, तो उस सराउंडिंग को आप कैसे हैंडल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है. क्यों जो है उस सराउंडिंग से आप जो है सराउंडिंग की डिफरेंट सिचुएशन होती है अकॉर्डिंग टू द वेराइटी ऑफ द मतलब के नेबरहुड्स वी हैव. लेकिन अकॉर्डिंग टू द मतलब के जो है सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल पीपल, हर एक बंदे की जो है लाइफ प्रोसेस डिफरेंट होती है और उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के सर्कमस्टेंसेस भी हम फेस करते हैं. तो अगर आप उसके साथ साथ अपने गोल को भी मेंटेन करते हैं देन आई थिंक यू आर द वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपनी मंजिल की तरफ जाना है. वेदर द पीपल कीप ऑन टॉकिंग बिहाइंड यू, यू जस्ट लीव इट, यू हैव टू मूव टू यू वर्स द डेस्टिनेशन ऑफ यूअर्स सो इट हेल्प यू अलोट. सो मूव टू वर्स द सेकेंड क्वार्स. अब सेकेंड क्वार्स जो है बेसिकली आई लव इट, इफ यू हैव द एबिलिटी टू लव सो लव यूअर सेल्फ फर्स्ट. अब इसकी मीनिंग तो ईजी है, बहुत जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक खासियत है, एक जो है काबिलियत है प्यार करने की, मोहब्बत करने की, तो सबसे पहले आप अपने आप से मोहब्बत करें. अब इसकी मीनिंग मैं कैसे लेता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल अपने आप से अगर आप सिंसियर हैं, अगर अपने आप से आप ऑनेस्ट हैं, अगर अपने आप को आप जो है एक लेवल पे अपने आप से जो है आप चाहते हैं कि आपको क्या करना है, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, विच पोजीशन इन विच स्टेज यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, आप किस लम्हे में जो अब जो राइट मोमेंट है उस पे आप कहाँ खड़े हैं, आके 2-3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो वो आपके अगर आपको पता है तो आप जो है अपने आप से सच्चा मोहब्बत, सच्ची जो लव है वो कर सकते हैं, फिर आप जो है दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को संभालने के लिए कैपेबल नहीं हैं, अगर आप अपने आप को टेक ओवर नहीं कर सकते, तो डू यू थिंक दैट आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो सबसे पहले आप अपने आप से मोहब्बत करें, आप अपने आप से जो है सोचें कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, आप अपने आने वाले सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और अपने आप के गोल सेट करें एंड उसे जो है अचीव करने की कोशिश करें। तो मैं इस क्वाड को ऐसे लेता हूँ। सो अगर मैं तीसरे मोटिवेशनल क्वाड्स की बात करूँ, सो इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है जो इंसान के लिए एक इम्पॉसिबल हो। सो जस्ट फर्स्ट ट्राई टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। हम इंसान जात के लिए हर चीज जो है वह हम कर सकते हैं, हमें उतनी स्ट्रेंथ है, हमें उतनी पावर है, हमने उतनी जो है कैपेसिटी मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात ऐसे ही नहीं बनाया हुआ। लिटरली आई एम टेलिंग यू यू हैव द पावर, यू कैन डू थिंग, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जस्ट आपको मेन थिंग क्या करना होगा, आपको जो है उस पे काम शुरू करना होगा, अपनी डिस्ट्रैक्शन से हट के आपको वो काम करना लाजमी स्टार्ट करना होगा, एंड फाइनली नो वन कैन स्टॉप यू टू रीच योर फाइनल डेस्टिनेशन टूवर्ड्स द सक्सेस इन योर लाइफ। अगर मैं फोर मोटिवेशनल कोट्स की बात करूं, और ये भी मतलब कि काफी अच्छा है, इम्प्रेसिव है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जो मेरी जो है काफी हद तक जो है मैं इस कोर्स से रिलेट कर सकता हूं। अब इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, अगर आप अच्छी चीजें नहीं कर सकते, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, तो इसकी मीनिंग, इसकी जो वर्ड्स हैं वो मुझे काफी इम्प्रेस कर रहे हैं। कह रहा है कि इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, अगर आप अच्छी जो है चीजें नहीं कर सकते, तो आप जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे अच्छी तरह से अच्छी तरीके के साथ कर सकते हैं। सो इसमें जो है आपको अगर आप, मैंने मोस्टली ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो है लोग कहते हैं भाई इतने हमारे पास सोर्सेस नहीं हैं, और लोगों के पास तो काफी सोर्सेस होते हैं टू टू मतलब के जो है गेन सक्सेस इन द लाइफ, टू मतलब के जो है इतनी जो है फैसिलिटीज मौजूद होती हैं उनके पास, तभी वो जो है इतने सक्सेस होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एग्री नहीं करता, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बंदे की लाइफ में हार्डर्स होते हैं। अगर आप जो है इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, अगर आप अच्छी चीजें नहीं कर सकते मतलब कि उस लेवल तक, जो जो छोटी छोटी चीजें, जो चीजें आपकी मतलब कि लाइफ में, उसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और वो डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से करते हैं। सो जो भी करें अच्छे तरीके से करें, और जो है उसका जो पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। सो दीज आर द सम मोटिवेशनल कोट्स दैट आई शेयर विथ यू इन दिस वीडियो। बेसिकली मैंने सोचा क्यों ना इस पे जो है वीडियोस बनाई जाए, और जो है मैं अपने व्यूज शेयर करूं। सो दिस इज माई व्यूज दैट आई शेयर ऑन दैट मोटिवेशनल कोट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इफ यू लाइक माई वीडियो सो जस्ट सब्सक्राइब, लाइक, comment and share further with your friends as well. Take care of yourself.